जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त स्वागत करुच्ची मुकुटी। दर्शक बंधु, गत अध्याय आपण मैंने जानवाक पाते रुद्राक्ष विषय अनेक किसी कथा आपण मैंने जानते विशेष भाव व्यवहार करने माला रूप से व्यवहार करने हो जप रूप से व्यवहार करने हो कि आपण मैंने जानते कि आपण किपर भाव पान करेंगे जहाद्वारा से आपण शरीर उपर प्रभाव पकेब आज जानवा से विषय से प्रथम स्वागत करवा आपण समस्त प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय को गुरुजी आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गत अध्याय आपण अनेक कथा बुझाऊ रुद्राक्ष पक्षर कथा वैज्ञानिक मत पुणी किपर ताम शरीर उपर प्रभाव पकई थाए धारण करने द्वारा व्यवहार करने द्वारा से विषय बुझाऊ कि कथा रही जाइला जे पान करी हम जोटा कि आम जेनेली शुणी न था से विषय कौन कह चाहिए जहाँ पान कर कथा रिसेंट रिसर्च जो रुद्राक्ष ये सब व्यवहारिक कथा मध्य आसी जो बारंबार आम चर्चा कहे जे आपको धर्म मत बांधि न दि जाऊ यह सामूहिक भाव जनकल्याण व्यवहार करा जाओ जहाँ व्यवहार हवा उचित जिंते आम पान कथा कहले जे जितेबले ऑटिज्म कथा आम चर्चा करुले से चर्चा करते जे दुईटी रुद्राक्ष चारिमुखी और पांचमुखी रुद्राक्ष पानी पकईक से पाक पीवा दरकार प्रश्न आसो जे खाली पानी पकईदे केमती काम कर तो ता पछरे विज्ञान कौन जहाँ डॉक्टर गौड़े बोली जड़े चिकित्सक जे 1983 मसीह यार व्यवहार कले जे पानी केमी काम कर दुईटी कंपाउंड बेस गोटा हूँ स्टेरोल पॉलीफेनोलिक ये दुटा कंपाउंड रोचे रुद्राक्ष दुटा कंपाउंड काम कौन ना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कथा आम कहे बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी कथा कहे से शक्ति को पानी रे द्रवीभूत करिवार शक्ति रुद्राक्ष अच्छे तो जो आम रुद्राक्ष को जल भितर प्रवेश करोचे ये दुईटी कंपोनेंट रुद्राक्ष भितर रोचे सी कौन कह रुद्राक्षर जो विद्युत प्रवाही शक्ति अच्छे से जल भितर प्रवेश कराक आम कह चार्ज वाटर से पा चार्ज हो जाए पा जो जड़े ग्रहण करते पा ग्रहण करने द्वारा ताकि रोग ह्रास हो जो शक्तिर आवश्यकता शरीर भितर अच्छी से शक्ति आवश्यक अनुजाई जड़े पाँच जो आम प्रथम कहले जो ऑटिज्म पिला मानों को पाई काहिंकी करिबा बा स्पेशली ऑटिज्म पाई नुहे अनेक रोग अच्छी जो रोग पाई आम जदि रुद्राक्ष धारण न करि पारुचे जप न करि पारुचे तार औषधीय गुण को केमिति व्यवहार करिबा तो जल रे द्रवीभूत करी आम जल ग्रहण करि पारिबा पुणी डॉक्टर गौड़ेर जो परिभाषा बा जो गवेषणा से गवेषण पुणी कह द्रवीभूत केते समय कर रखा दरकार जो थे रुद्राक्षर द्रव्य गुण जल रे प्रभावान हम बा इट विल बी डिस्चार्ज इन वाटर तो 8 घंटा रु 12 घंटा समय सीमा से निर्घंट कले रुद्राक्ष को जल भितर बुड़ेक रखा पा भितर बुड़ेक रखा 8 रु 12 घंटा पर्यटन जितेबले जल भितर प्रवेश करोचे रुद्राक्ष को बातक समय आम बुड़ेक रखुचे से तो रुद्राक्ष द्रव्य गुण जल भितर प्रवेश करुचे से जल को आम व्यवहार कले आम से जहाँ रुद्राक्षर गुण से गुण को आम प्राप्त करुचे जो आम चिकित्सा क्षेत्र में जो ऑटिज्म पिला कथा कहगला जो मैंने विज्ञान सम्मत मत बा अंधविश्वास न भाविकी विश्वास न भाविकी विज्ञान मत अनुसार जो मैंने चिकित्सा करिया को चाहते से मैंने ऑटिज्म पिला मानू रुद्राक्ष पानी दे पारे किंतु 8 घंटा रु 12 घंटा पर्यंत जल रे द्रवीभूत कर रखा दरकार व्यवहार
যে কেমিতি জলরে কেবল যে রুদ্রাক্ষ কু রক্ষা তা নুহে তাঠু আউ গোটে স্টেপ আগুক পুঁ রিসর্চ আসিলা যাহা 1985 করাগল 83 মশিয়ারে জল কথা তার দিবস পরে ভস্মর কথা যে রুদ্রাক্ষ ভস্মকু যদি দিয়া যায় তাহলে সে ভস্মর মধ্য সুপ্রভাব শরীর উপরে আসিব যেপাই বর্তমান চিকিৎসা ক্ষেত্রে রুদ্রাক্ষ ভস্মর ব্যবহার বড়ি চাললা যেটি আমি ব্যবহার করুলে বিভিন্ন ধাতব পদার্থ তা বদলে আমি ব্যবহার করুছে রুদ্রাক্ষ বা রুদ্রাক্ষ যেতবে আমি ব্যবহার করুছে ভস্ম রূপে যে ধাতব কথা আমি কৌছে সে ধাতব পদার্থ মধ্যে জনে প্রাপ্ত হয়ে পার তো রুদ্রাক্ষ জলরে ব্যবহার করা আমি রুদ্রাক্ষ প্রথমে নির্ণয় করা দরকার যা পরবর্তী সময় আমি চর্চা করা হাউ টু আইডেন্টিফাই বা কেমিটি আমি রুদ্রাক্ষ চিনিবা কিন্তু বর্তমানে আমি ব্যবহার কথা চর্চা করুছে বা তৃতীয় সোপান ব্যবহার রুদ্রাক্ষ পানি কেমিটি আমি ব্যবহার করব যেতবে পানি আমি দৌছে পিলাটি গ্রহণ করা বা কোণী বয়সর লোক যদি মানসিক চিন্তাগ্রস্ত অনেক বা শরীরে বিভিন্ন রোগর লক্ষণ বা রক্তচাপ জনিত রোগ যেটি হাই ব্লড প্রেসর পাই বহুত ভাল কাম করুছি যা মধ্য ডক্টর গোয়ালে যেতবে দিয়েছেন সে রক্তচাপ উপরে বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেছেন যেতবে সে পানিটি জনে গ্রহণ করুছি সেতবে সে খালি পাদরে তলে ছিড়া হওয়া অনুচিত বা ছিড়া নহে যদি বসিলে আহরি ভালো বসিকি পানি পিইবা দরকার যদি ছিড়া বি হচ্ছেন তাহলে গোটে ব্যাড কন্ডাক্টর অফ এনার্জি বা গোটে এমিতি পদার্থ ব্যবহার করবে যা বিদ্যুৎ শক্তি কুপরিবাহী হয়ে দরকার কোণী কাঠ কমল বা কোণী এমিতি পদার্থ উপরে ছিড়া হবে যা সিধা সড়ক ভাবরে শরীর স্পর্শ করিব না ভূমি কাহি না যে কম্পোনেন্ট কথা কহিলেন যে কম্পোনেন্ট নেই যাচ্ছে ইলেকট্রিক পাওয়ার বা বায়ো ইলেকট্রিক এনার্জি সে কম হুয়ে আর্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা মাটি চাল যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে জল চিকিৎসা যা হালির কথা বা 1985 মশিয়ারে যা আমি গবেষণার প্রাপ্ত করেছে যার সুফল অনেক জনে নুহে অনেক রোগী উপরে ব্যবহার করে তার যে নিদর্শন বা যে আমি কৌছি রিসর্চ পেপর বহুত গুড়ে রিসর্চ পেপর মধ্য সংগ্রহ করা যাইছে যে কেমিতি রোগ রোগী মানে আরোগ্য হচ্ছেন এবং কো কো রোগ আরোগ্য হচ্ছে আপনার যে বুঝাউলে রুদ্রাক্ষ পান করার কাহিকি আবশ্যকতা রয়েছে কিপরি তাহা প্রক্রিয়া ভাবে কাম করে কোন কহিবাকু চাইবে যা আমি জল চিকিৎসা কথা কৌলে বা রুদ্রাক্ষ কেমিতি পানিরে বুড়াইকি তার পানি পিইবা কথা বা সেবন করা দরকার যে প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে যা আমি কৌছি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যে রেডিয়েশন থেরাপি বা কেমিতি রেডিয়েট করিকি তা ভিতরে দ্রব্যগুণ ছাড়ুছি এবং সে রেডিয়েশন যাইকি মস্তিষ্ক উপরে কাম করুছি রক্ত প্রবাহ উপরে কাম করুছি এবং সমস্ত গ্রন্থি উপরে কাম করুছি তো যদি আমি দেখু প্রত্যেক গ্রেন কথা বা যেতে দানা অছি সবু দানাকু যদি আমি পানি ভিতরে প্রবেশ করো তাহলে তা ভিতরে কিছু না কিছু প্রক্রিয়াকরণ রুহে বা যে আমি কৌছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন সবু পদার্থর হুয়ে তেমন এটি প্রশ্ন যে আমি কাহিকি রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করব যদি ম্যাগনেটিক পাওয়ার অছি ওয়াই নট ডাইরেক্টলি ওয়ে আর ইউজিং দ্য ম্যাগনেট আমি চুম্বক সিধাসড়ক কাহিঁ ব্যবহার ন করব তো রুদ্রাক্ষ কাহিকি ব্যবহার করব গোটে হচ্ছে রেশিও অ্যান্ড রেট যে কে সে ব্যবস্থিত হয়েকি জল সহিত দ্রবীভূত হয়ে পুছি এবং কেউ মাত্রার সে দ্রবীভূত হয়ে পুছি যেতে পদার্থ আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে সবু শক্তি অপেক্ষা রুদ্রাক্ষর শক্তি অধিকা আমি পাচ্ছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হিসাব যেপাই আমি রুদ্রাক্ষর পানি ব্যবহার করুছে তো কেবল অটিজম নুহে বা হাই ব্লড প্রেসর নুহে যদি সাধারণ ভাবে যে বর্তমানে আমি কার্য
व्यस्तता भितर जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रहउचे डिप्रेशन रहउचे हाइपर हो जाउचे ये सब क्षेत्र में आम रुद्राक्ष पानी व्यवहार कर पारिबा। इति गोटे स्पेसिफिक जे काहिंकी पुणी आम व्यवहार करवा ऑटिज्म जहाँ आम ऑटिज्म को जो चर्चा करुले एस्ट्रोलॉजी एंगल रु जो चर्चा करुले से आम चर्चा करुले विभिन्न ग्रह कथा विभिन्न ग्रह मानकर धातु कथा जदि जने सबु धातु संग्रह करी पारु नाही बा सबु धातु को संग्रह करी बा सबु रत्नपत्थर को पिंधिवारे सक्षम नुहे बा पिलाटी को जेते बेला आमे रत्नपत्थर दबु से पिला जो माने ऑटिज्म रे सफर करछन से माने हाथ रे प्राय रखिया पय देबे नाही कारण से माने व्यस्त विप्रत सबु बेरे तो से क्षेत्र रे काहिं कि आमे रुद्राक्ष पानी को व्यवहार करबा एवं रुद्राक्ष चिकित्सा को बारंबार आम चर्चा इति पय करूचे जहाँ सहज सरल एवं जहाँ प्रभाव तीव्र से आम रुद्राक्षर कथा चर्चा करूचे आम धातव पदार्थ कथा कथा होचे जिमती आम धर्म को बेस करी बा धर्म को आधार करी जेते बले चर्चा कले सेते बले चर्चा कले व्हाट रुद्राक्ष कंटेंट्स बा रुद्राक्ष कौन कौन को लेके तैयारी हो पारे कंपोनेंट्स कौन जेहेतु से लुह सहित संपर्क अच्छे तो लुहरे जहाँ जहाँ गुण अच्छी से गुण रुद्राक्ष भितर अच्छी गवेषणा चली तेनाली आम बहु वर्ष तले आम शास्त्र आम मुनि ऋषि मैंने लिखिदे जापर्यंत भी आम गवेषण से सिद्धांत उपनीत होने कि जो सिद्धांत उपनीत हो सिद्धांत को पर्यवेक्षित कर चिकित्सा कथा चर्चा करवा कारण सबुठ तर्कर आवश्यकता अच्छी सबुठ विज्ञान आवश्यकता अच्छी विश्वास पर्यवेक्षित कर कौन चिकित्सा करवा ना तेणु जिते बड़े आम रुद्राक्षर कथा कौचे गवेषणागारे जो गवेषणा करगला से कंटेन्स रुद्राक्ष कौन कौन नहीं आम जिते कथा देखुचे जमी नाइट्रोजेन कथा देखुचे हाइड्रोजेन कथा देखुचे अक्सीजेन देखुचे कार्बन देखुचे ये सबू मिसिकी या रुद्राक्ष तो शरीर भितर यार सब आवश्यकता अच्छी ताड़ कथा हूँ जे रुद्राक्षर कौन कौन धातव पदार्थ अच्छे गोटे गच्छर फलर मंजी ता दिहरे धातव पदार्थ कौन कंटेन्स करम गवेषणागार कथा गवेषणागारे जो निर्जास से निर्जास पर्यवेक्षित जे आमर रुद्राक्षर अच्छी कौन रुद्राक्षर सबुठ अधिक मात्रा रे अच्छी तंबा पुणी धर्मशास्त्र को जीवा जे मस्तिष्क रो ऊपरी भाग को बाजे सुरक्षा प्रदान करुची से धातु कौन ना से धातु होची जिंक एंड कॉपर बा शुभ्र तंबा तो जितेबले तंबार मात्रा न्यून हुए बा अत्यधिक हुए सेतेबले मध्य रोग देखा दिए तो आम जितेबले तंबा दौचे जितकी मात्रा रा आवश्यकता अच्छे सेतकी मात्रा शरीर ग्रहण करिवो एवं आउ जहां अधिका थिवो ताकु न्यूट्रलाइज करिया पाई मध्य धातव पदार्थ ये रुद्राक्ष भितर अच्छे धातव पदार्थ तंभा लुहा चांदी सुना मांगानीज एंड बेरियम ये जो धातु आम शेष बेरियम जे सबुगुड़ी को न्यूट्रलाइज करिया पाई बस शरीर में जितकी आवश्यक अच्छे धातव पदार्थ से धरी रखिबो जहाँ मात्राधिक ताकु निर्गत करने से शरीर निर्गत हो शरीर में तार कौन कुप्रभाव पड़े ना आम एस्ट्रोलॉजी कथा कहते जे मंगल जिते कुप्रभाव हम से ऑटिज्म मानसिक दुश्चिंता हो पारे मानसिक हाइपरटेंशन हो पारे डिप्रेशन हो पारे तेनाली धातु मंगल रखिले तंबा लुहा अच्छी शनि जिते उच्चरे रुहति नीचे रुहति से स्नायुगत दुर्बलता हुए जितेबले स्नायु दुर्बल हम से मानसिक स्तर में आम असुस्थता अनुभव कर लुहा रोचे पेट रोग हुए से मानसिक रोग हो पारे तो पेट रोग रे स्नायुगत दुर्बलता हो पारे तो ये बृहस्पति धातु रहा सुना जितेबले आम मांगानीज कथा कहे जितेबले आम
जो माने छाया ग्रह गुड़िक अच्छा छाया ग्रह गुड़िक कंट्रोल करने मैंगानीज आवश्यकता अच्छी ये सब धातव पदार्थ को जितकी अनुपात शरीर आवश्यकता अच्छी से अनुपात धरी रखिबार क्षमता बेरियम अच्छे तो ये जो धातु कथा आम कहले जो एस्ट्रोलॉजी कथा कहले यदि से दृष्टिकोण रू भी देखा जाए ताले रुद्राक्षर पानी व्यवहार करिबा निहाति रोगी पक्ष शुभंकर एवं जहाँ परीक्षित जहाँ परीक्षा करिवार आवश्यकता ना हुए तो आग को आमको आहुरी गवेषणा जारी रखा पड़ो रुद्राक्ष विषय आहुरी अनेक कथा जानवाक पड़ो रहा साइंस बिहाइंड रुद्राक्ष रुद्राक्ष केमिति विज्ञान सहमति प्रदान करुछि जे रुद्राक्ष को व्यवहार कले विज्ञान मत अनुसार शरीर गठन अनुसार शरीर कार्य करने प्रणाली अनुसार केमिति रुद्राक्ष काम करुछि तो जहाँ आम पुणी परवर्ती स्तर में चर्चा रखा जे रुद्राक्ष चिन्हा केमिति रुद्राक्ष फंक्शन कौन बा रुद्राक्ष विषय आहुरी विशेष भाव में आम चर्चा रखा देखा चिठी जानवाक चाहते ये चिट्ठी आसी रायगढ़ चिट्ठी को लिखिंट तनुजा सामल से लिखिं पूजनीय विज्ञानी गुरु श्री संत महोदय को मोर प्रणाम जय गुरुदेव तापर से लिखिं मो प्रत्येक दिन रोमंथन प्रोग्राम देखे मत प्रोग्राम टी बहुत भल लगे मोर एक समस्या अच्छी जहाँकि मो पु को नहीं मो पुर बयस हो 10 वर्ष से सबुदिन राति बिछड़े परिश्रा करदे मु सब प्रकार चेष्टा कर सारे किंतु तार परिश्रा बंद हो कौन करिबा द्वारा यह समस्या रु मते मुक्ति मिल पारे जहाँ गोटे साधारण भाव में आम रोग कथा जो चर्चा करूँ बा छोट पिला कथा चर्चा करूँ से प्राय बापा माँ मैंने व्यस्त हूँ पिला माने परिश्रा करिबा सेजरे परिश्रा कर दूसरी से माने चिंता करते पिला बड़ होगा परिश्रा करेणु जावाई असुविधा घरे बहु समय असुविधार सम्मुखीन होती तो परिश्रा को नहीं अनेक कथा तो जो परिश्रा कथा कहचे से जरे मुतुचंति तार प्रभाव होची कौटी ना सेल्फ कंट्रोल आम जो परिश्रा जाऊे से आमको परिश्रा लगुच्छे बोली आम जाऊे से आपको कह जाए नेचर्स कॉल बा शरीर डाकरा दिए शरीर आवश्यकता अनुसार शरीर चाहे बर्ज्य वस्तु को बाहर को निर्गत करने ऑटो सेंसरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट तो ऑटो सेंसरी सिस्टम केतबेले खराब हुए बा आमे केतबेले जानी पारुने स्वत बही जाए जे जितबेले आमर ऑटो सेंसरी सिस्टम को आमे अन्य कोनोसी काम रे लगेथु तो पिला माननको भितरे जितबेले बहु पिला अच्छा जो मैंने स्वप्न विलासी जो मैंने अधिक स्वप्न देखते आम केवल भावु जो बड़ लोक ही स्वप्न देखती नुहे पाने बहुत समय स्वप्न देखती द्वितीय कारण जदि पिला भयालु होता परीक्षा कर तृतीय कारण जदि कृमि जनित कौन रोग से प्रपीड़ित था परीक्षा कर आम जो चिकित्सा कथा कहचे चिकित्सापाई जंत्र विज्ञान आवश्यकता अच्छी जंत्र व्यवहार करुचे किंतु जदि वनस्पति चिकित्सा जीवा जहाँ को वनस्पति चिकित्सापाई आम जो लाजकुली पत्र कथा कहचे लाजकुली गछर पत्र बाटिबा जमी पेस्ट गोटे या से पेस्ट को कौन करवा नाभि को केन्द्र रखा नाभि उपरे लेप दबा ना नाभि चारिपटे आम लेप देदेव जो आम इंटाग होता जो ऑटो सेंसरी सिस्टम आम कम करने ऑटो सेंसरी सिस्टम को आक्टिव करने परिश्रा लगे निदुर उठिज परिश्रा लगे सी जापर शीतक करने आम जदि लाजकुली लटार लेप दौले तार जो स्नायुगत दुर्बलता आसी मांसपेशी गुड़िक दुर्बल हो जाती मांसपेशी गुड़िक सठिक खबर दे पार ना जो से उठी पारे से उठी जापर यदि कृमि कथा आम कहले बहुत समय कृमि कारण परीक्षा हुए से जहाँ डाक्तरी चिकित्सा
କରିନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ନକଲେ ବନସ୍ପତି ଚିକିତ୍ସା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲିମ୍ବ ଛାଲିକୁ ଗରମ କରିବେ ଏବଂ ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପିଲା ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇକି ବସିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଟି ପିତା ଲାଗୁନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କୃମି ଦୋଷରୁ ଯଦି ପରିସ୍ରା ବିଛଣାରେ କରିଥିବ ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ଯନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସାର, କାରଣ ଗୋଟେ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି, ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିପାରୁନି, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ସେ ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛେ ଆଶ୍ରମରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭିତରେ ଏହା ଦେଖାଦିଏ। ତା ପିଲାଟି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ତା'ର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପାସିଟି। ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ଖେଳି ଖେଳି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ଗୋଟେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାକୁ ସେ ସେନ୍ସେସନ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସାର ପଦ୍ଧତି। ଯଦି ଏ ପଦ୍ଧତି କରିବା ପରେ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉନି, ତାହେଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ରୋଗକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଉପାୟ ସେଇଠି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ, ଆଶା ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।